मुद्दे को लेकर के चैन यहाँ हो रहा है। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ काफी से यहाँ पब्लिक यहाँ पीछे हो रही है। और जो है मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा जो है दिखाएं इस तरफ भी, कि काफी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ जो है बुजुर्ग यशवंत साहब यहाँ पहले से मुस्तैद है, काफी फोर्स के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो नामने जो नाम की प्रक्रिया चल रही है, जो देखना है कि क्या हो रहा है, वो यहाँ दर्ज हो रहा है, वो लिखा पड़ी चल रही है कि क्या वो चुनाव के पहले पूर्वा यहाँ पर छोटे की जांच प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही थी, जिसे यहाँ मौजूदा अधिकारी वीडियो के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि वो प्रक्रिया सही नहीं थी। और पीछे काफी लोग यहाँ पर है और वो लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, मीटिंग का विरोध, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, बार बार चलता है, इकट्ठा नहीं होगी। और यहाँ काफी यहाँ लोग भी है और इस वक्त बरसात हो रही है। मैं कैमरा मैन चौकर थोड़ा पीछे जाकर के दिखाई कि आज इस वक्त बरसात भी हो रही है, काफी पानी बाहर में पानी मिल रहा है। और अब देखिए अधिकारी और क्या निर्णय लेते हैं यहाँ पर। और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, किसी भी प्रकार का बवाल ना होने पाए। यशवंत साहब यहाँ बीच में है, पीछे यहाँ पर यशवंत साहब है, तो सबको देख भी रहे हैं कि कैसे क्या चल रहा है। संख्या से अशोक जी करना आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया की विशेष रिपोर्ट। कैसरगंज विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायगढ़ बेड़ा के मजरा खालीपुरवा में कोटे की चयन प्रक्रिया को लेकर के भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। इस बैठक को स्थगित किया गया, आपका नाम क्या है? तो आज जो बैठक हुई है काफी जो है मेहनत की किया, तो कैसे किस कारण से आपने स्थगित किया? और ये बताइए कि इतना विद्यालय आपका छोटा था, अगली बार मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से भी जहाँ लोग इकट्ठे हो सके। और रास्ता भी उधर भी रास्ते पे गाड़ी फंस गई, एक बाबा जी चोट खा गए, तो कम से कम इसको आपको तो देखना चाहिए ना। इसको क्या करें, देखा रहेगा क्या? नहीं नहीं, इसका देखना चाहिए। देखिए इन्होंने भी कुछ काफ़ी लापरवाही की है यहाँ पे, ये यहाँ के इन्होंने ग्राम विकास सचिव है, अधिकारी है, और इन्होंने देखा भी नहीं कि यहाँ कार्यक्रम कहाँ करना है, किस विद्यालय में करना है। यहाँ रास्ते में गाड़ी भी फंस गई, कई लोगों की गाड़ियां फंसी। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक भी छोटे जनपद में।